फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लक्ष्मी जी को की मूर्ति को वाइट पेंट करेंगे। हमारा वाइट पेंट काम जो रहा था हम करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मूर्ति सूख के पूरी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी मूर्ति में बहुत कम दरार आई है, आप देख सकते हैं। उसका एक रीज़न है कि मैं अपनी मूर्ति को प्योर धूप में नहीं सुखाता हूँ, ये रूम में रखी रहती हैं, जिससे रूम से ही सूखती हैं। यदि हम इन्हें प्योर धूप में सुखाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा दरार आती हैं, तो हमें वो दरार नहीं करना है। वाइट कलर हम चेहरे पे सबसे पहले लगाएंगे, आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कौन कौन दीपावली पर नवरात्रि पर दुर्गा मूर्ति और दीपावली पर लक्ष्मी मूर्ति बनाता है, सभी लोग जो जो लोग बनाते हैं वो कमेंट में मुझे बताएं कि कौन कौन बनाता है। और हमें कलर पहले वाइट कलर करके ही कलर करना चाहिए, जिससे कलर बहुत अच्छे तरीके से होता है। फ्रेंड्स, यदि आप दीपावली पर अपने हाथ से लक्ष्मी मूर्ति बनाते हो तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और बनाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। यदि आप देख देख कर बनाते हो तो बहुत आसानी से बन जाएंगी। शुरू शुरू में खैर थोड़ा प्रॉब्लम पड़ती है, लेकिन फिर बहुत अच्छे आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, हमारी आधी से ज़्यादा मूर्ति पेंट हो गई है, वाइट पेंट से थोड़ी सी और रही है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आपको मेरे पेंट का वीडियो देखना है तो आप गणेश जी और दुर्गा जी दोनों के वाइट पेंट का वीडियो देख सकते हैं, मैंने कैसा वाइट पेंट किया है और वो दोनों मूर्ति कैसी बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना जाकर। फ्रेंड्स, हमारी मूर्ति पेंट हो गई है। अब ये जो घड़ा दिख रहा है पेंट हो चुका है। अब हम मेरे पैसे की थाल को पेंट करेंगे। पैसे की थाली पेंट हो चुकी है। अब हम हमारा हाथी पेंट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा हाथी हम आधे पेंट करेंगे, क्योंकि ये ग्रे कलर करेंगे तो वैसे पेंट हो जाएगा। वाइट पेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जरा बहुत हल्का वाइट पेंट करा है, जिससे बहुत अच्छी मूर्ति पेंट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।